हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिशनल स्टाइलिश प्रियंका। आज का जो वीडियो है वो हेयर केयर पे वीडियो है और एक प्रोडक्ट का मैं आपसे रिव्यू शेयर करने वाली हूँ और वो एक हेयर पैक है और वो हेयर पैक आपके बालों में कैसे वर्क करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्या हम उसे बाई कर सकते हैं या फिर वेस्ट ऑफ मनी है, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आज का जो वीडियो है हेयर मास्क के ऊपर है और ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इसे मैंने अपने यूज़ के लिए, पर्सनली यूज़ के लिए बाय किया था और उसका रिज़ल्ट कैसा रहा मेरे बालों में, क्या आप उसे बाय कर सकते हैं या नहीं, इसी के बारे में हम डिटेल बात करेंगे। और इस हेयर पैक को आपको कैसे अपने बालों में लगाना है, किस तरह से बनाना है और अपने बालों में अप्लाई करना है और इसका रिज़ल्ट कैसा आता है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। आइए, ज़्यादा बातें ना करते हुए अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। समय मेरे चैनल पे गिव अवे ओपन है, अगर आप चाहें तो उसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं। गिव अवे की वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है, थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है आपको इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को फ्रेंड्स लाइक ज़रूर किया करिए, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। और ये है वो प्रोडक्ट, 100% आयुर्वेदिक रेसिपी है, बायोटिक का है, मस्क रूट नाम से ये हेयर पैक आता है, एडवांस आयुर्वेदा इस पर मेंशन है और फ्रेश ग्रोथ एंड नरिशिंग ट्रीटमेंट पैक है। ये आपके बालों को बहुत ही अच्छे से नरिश करेगा और नए हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा। आपकी स्कैल्प में अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, इचनेस की भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं तो भी आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपसे कोई भी DIY नहीं शेयर कर रही हूँ, मैं यहाँ पर एकदम रेडी टू यूज़ हेयर पैक के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। आप इसे एग में या फिर दही में मिक्स करके अपने बालों में इसे अप्लाई करना है और जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि वो डिफरेंट तरह की DIY कर सकें या फिर जिन्हें आलस आता है DIY बनाने में, वो इस तरह के हेयर पैक को बाई कर सकते हैं। और मैं इसको आपका लाइव रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि इसको लगाने के बाद मेरे बालों में कैसा रिज़ल्ट रहा। बहुत ही अच्छे से नाइसली पैक होके ये आपको मिल जाता है और बायोटिक कंपनी का है तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि 100% आयुर्वेदिक है और कोई भी केमिकल का यूज इसमें नहीं किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि आपके बालों में बिल्कुल भी केमिकल नहीं जाएगा और कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन मैं फिर भी आपसे मेंशन करूंगी, अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो एक बार पैच टेस्ट ज़रूर करें अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। आप देख सकते हैं बहुत ही थिक सा मटेरियल है, थिक सा पेस्ट है। इसे आप चाहें तो अंडे के सफ़ेद पार्ट में या फिर आप इसे दही में मिक्स करके अपने बालों में अप्लाई कर ले सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है, मुलेठी रूट है इसमें, आंवला फ्रूट है, भिंगराज है, जटामासी है, बेड़ा फ्रूट है, हरे है और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी है। हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर फॉल को रोकता है, आपके बालों को स्मूथ, शाइनी और बहुत ही अच्छा नरिश करता है, बिल्कुल नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इस पैक को ले लीजिए एक बाउल में और इसमें मैंने जो है दही डाला है। अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है, एकदम स्मूथ सा लम्ब्स फ्री बैटर बन जाएगा, बिल्कुल लम्ब्स फ्री पेस्ट जैसा बन जाएगा। जैसे मेहंदी जब हम घोलते हैं तो बिल्कुल स्मूथ सा मेहंदी का पेस्ट हम बनाते हैं, वैसा ही पेस्ट आप इसे बना लीजिए। थोड़ा सा थिक होता है इसलिए मैंने इसमें दही और डाली है। आप चाहें तो इसे अंडे में भी फेंट के अपने बालों में लगा सकते हैं और अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। हमारा हेयर पैक बनके रेडी हो गया। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कैसी है, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनके तैयार हो गया है बालों में लगाने के लिए। आप जब भी इस मास्क को अपने बालों में अप्लाई करें तो आप अपने बालों में ऑयल ना लगाएं, विदाउट ऑयल ही अपने बालों में इसे अच्छे से अप्लाई करें और अपने बालों के छोटे छोटे सेक्शन लेके और अच्छे से पूरे स्कैल्प में और हेयर की लेंथ में आपको इसे लगाना है ताकि अच्छे से आपके बालों में अप्लाई हो सके और इसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स आपको इसका मिल सके। अपने स्कैल्प में आप बहुत ही अच्छे से आप इसे अप्लाई करें, छोटे छोटे सेक्शन लेके बालों में। मैंने इसी तरह से पूरे बालों में अपने अप्लाई कर लिया है। आप देख सकते हैं मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे नहीं है, मीडियम लेंथ के हैं, तो मेरे इतने से पैक में मेरे फुल बालों में अच्छे से ये लग गया है। और इसे लगाने के बाद आधे से एक घंटे के लिए आपको एज इट इज़ छोड़ देना है और एक घंटे बाद जो है नॉर्मल वाटर से अपने हेयर को वॉश कर लेना है। कोई भी शैम्पू या कंडीशनर का आपको यूज़ नहीं करना है। मैंने नॉर्मल वाटर से अपने बालों को हेयर वॉश कर लिया है और हेयर वॉश करके मैं आपसे मिलती हूँ। और मैंने हेयर वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं मेरे बाल बिल्कुल शाइनी, सिल्की, स्मूथ, फ्रिज फ्री हो गए हैं। बिल्कुल आपके बालों में फिंगर ऐसे मूव करेंगी, बिल्कुल
आपके फिंगर कहीं भी उसमें फंसेंगे नहीं, बहुत ही स्मूथ सा आएगा और आपको काफ़ी अच्छा फील होगा कि मेरे बाल जो है काफ़ी हेल्दी फील हो रहे हैं। आपको खुद ऐसा फील होगा कि मेरे बाल काफ़ी हेल्दी, शाइनी, सिल्की, स्मूथ फील हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट लगा मुझे। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप अपने बालों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि बाल जब एक बार झड़ना स्टार्ट होते हैं तो उन्हें हेयर फॉल को रोकने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक बार के DIY से या फिर किसी पैक से, किसी ऑयल से वो रुक जाते हैं। आपको काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है कि अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए, और मैंने काफ़ी हद तक अपने बालों के हेयर फॉल को कंट्रोल किया है, ऐसा मुझे फील होता है। मैंने नए बेबी हेयर्स की भी ग्रोथ देखी है। मैं जल्द ही DIY हेयर ऑयल आपसे शेयर करूँगी। मैंने पहले भी बोला था लेकिन मैं अभी शेयर नहीं कर पाई हूँ। आप देख सकते हैं मेरे बालों में कितनी शाइनी और कितने सिल्की स्मूथ लग रहे हैं। आई होप आपको भी इसका रिजल्ट पसंद आया होगा। और मैं ये नहीं कहती कि आप इसी में सिर्फ इन्वेस्ट करिए, अगर आप DIY कर सकते हैं तो आप DIY करिए, लेकिन अपने बालों का अच्छे से ख्याल रखिए। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप वर्किंग वूमेन हैं और आप बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो आप इस तरह के हेयर पैक को खरीद सकते हैं और हफ्ते में 1 से 2 बार आप इसे अपने बालों में अप्लाई करिए, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। दोस्तों, इस प्रोडक्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, अगर आप चाहें तो वहाँ से खरीद सकते हैं और अपने बालों का ध्यान रखिए। दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।